ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। सबसे ज्यादा हम लोग जो रहते हैं वो रहते हैं किचन में, और उस किचन को बनवाने का हर एक लेडी का बहुत शौक बहुत सपना होता है। तो अब मैंने अपनी किचन जो कि 50% पहले बनवा ली थी और अब 70% के मुताबिक मतलब जो है 50 से ज्यादा ही बनवा ली है, क्योंकि थोड़ा सा किचन से बाहर भी मैंने कुछ क्रिएटिविटी करी है। जैसे मुझे सहूलियत लग रही थी कि मुझे ऐसे बनवाना है, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे माइक्रोवेव के लिए खाना चाहिए, मुझे लॉन्ग यूनिट में पेंट्री नहीं बनवानी है, मुझे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है वैसे बनवानी है, मुझे पैसे भी बचाने हैं, रिक्वायरमेंट में आ रहा है तो मुझे लगाने भी है। अगर एल कब्जे लगाकर काम चल रहा है तो मुझे डड्डू कब्जे नहीं लगवाने हैं, लेकिन अगर कहीं पर सॉफ्ट क्लोजर की जरूरत है तो मुझे सॉफ्ट क्लोजर भी लगवाना है, एंड सो ऑन। मैंने ऐसे कई आइडियाज कलेक्ट करे और कौन सा मुझे माइका और कौन सा मुझे कलर कॉम्बिनेशन रखना है, इन सब क्रिएशंस को कर किचन मैंने बनवा ली है। और अब आपके लिए ये वीडियो भी पेश है, और आप अगर किचन में कुछ भी इस तरीके का काम करवाना चाहते हैं तो उसके आइडियाज के लिए अपनी इंक्वायरीज के लिए आप सिर्फ मुझे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिखिए। जो जानकारी मुझे किचन बनवाते हुए मैंने देखी, अगर उस मुताबिक मैं आपकी जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगी, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप किस तरीके की चीजें यूज करें। जैसे कि ग्रीन बोर्ड, अगर आप नहीं जानते हैं MDF बोर्ड जो कि ग्रीन बोर्ड रहता है, तो इसकी रेनोवेशन होते समय बनते समय वो कैसा था, उसकी पिक और भी बहुत सारी पिक जब बन रही थी ना, तो कारपेंटर जब काम कर रहे थे, मैंने बहुत सारी क्लिप्स ली, छोटी छोटी वीडियो भी बनाई, लेकिन उस टाइम मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया, तो हो सकता है वो शेकिंग सी वीडियो हो, लेकिन अगर उनमें कुछ काम की वीडियो होंगी ना तो जरूर मैं बीच बीच में क्लिप्स लगाकर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो जो रॉ स्ट्रक्चर रहता है जब किचन बन रही है उससे बहुत सारे आइडियाज भी मिलते हैं। और घर पर कारपेंटर लगाकर किचन बनाने का एक वंडरफुल सा फायदा ये रहता है कि आप कह सकते हैं कि मुझे ये खाना बड़ा चाहिए, मुझे छोटा चाहिए, और कुछ ऐसी लूप होल्स रहते हैं जो कारपेंटर्स नहीं बताते हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी होगी तो यकीनन आप वो टिप्स अपना सकते हैं, मैं आपको वो टिप्स भी बता सकती हूँ। मेरी इस एक किचन में जहां आपको ऊपर खुलने वाले और साइड पे खुलने वाले खाने मिलेंगे, वहीं आपको हैंडल और हैंडललेस का आइडिया भी मिल सकता है। मेरी किचन 11x9 साइज की है, जिसकी थोड़ी सी यू शेप में, पूरा यू नहीं है, थोड़ा सा यू शेप में जिसकी सेल्फ है। ये किचन की प्रीवियस रॉ लुक है, जब कपबोर्ड सिर्फ नीचे वाले बने थे, तो गणेश जी की मूर्ति के साथ ही। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कोई भी ऊपर का खाना जो है कपबोर्ड किचन में नहीं बना है। अब जो है ये वर्किंग मोड में है इस टाइम पोजीशन, जगह जगह पे माइका, लकड़ी, उनकी मशीन की आवाज और घर घर ड्रेन की आवाज, ये सॉफ्ट क्लोजर और ये कुछ चैनल्स हैं। ये मैंने वाटरप्रूफ शीट लगवाई थी हर कपबोर्ड के पीछे दीवार की तरफ, ताकि सिलन वगैरह की दिक्कत ना आए। यहाँ देखिए एक बेहतरीन टिप मैं आपको बता देती हूँ बीच में, ये जो ग्रीन बोर्ड से MDF बोर्ड से इन्होंने पल्ले बनाए थे दरवाजे, इनकी जो एज रहती है, किसी भी चीज की जो एज रहती है, जिनको पचड़े बोलते थे वो कारपेंटर, वो कभी भी ना आप एक टेप रोल आता है 700-800 रुपए का, उससे कभी मत बनवाइएगा। आप हमेशा जो माइका जो आप यूज कर रहे हैं ना, चाहे इनर माइका को यूज कर लो चाहे आउटर को, उसी की कटिंग करके करवाइएगा, तो ही ये एज ज्यादा अच्छी निकल के आती है, लॉन्ग लास्टिंग। एक दूसरा, ये जो डड्डू कब्जे जिसको सॉफ्ट क्लोजर बोल रहे हैं ना, इसको खोल भी सकते हैं क्लीनिंग के लिए। उन्होंने भी ये फिटिंग फुटिंग करने के बाद उनको खोल के रख दिया था, तो मैंने सोचा मैं आपको भी ये टिप शेयर कर दूं। दिवाली आ रही है, सफाई में भी हेल्प रहेगी, और कई बार खाने जो है अटक जाते हैं तो उन्हें आप खोल सकते हैं। जब हमने न्यू किचन की स्टार्ट करी तो मीठे से करी, सबका कड़ा प्रसाद खाने का मन था, तो मैंने बिल्कुल गुरुद्वारे वाला कड़ा प्रसाद बनाया। और साथ ही मैं आपको एक और बेहतरीन टिप भी बताती हूँ, ताकि ये वीडियो कुछ बाकी साधारण वीडियो से अलग हो जाए। जब भी हम माइका लगवाते हैं तो एक माइका तो हम खानों के कपबोर्ड के नीचे लगवाते ही हैं, ठीक है, लेकिन एक और बेहतरीन काम आप क्या कर सकते हैं ना, कपबोर्ड के ऊपर
मतलब कि जो उसकी ऊपर की सतह रहेगी ना, वहां पर भी आप जरूर, चाहे जो अंदर वाली माइका रहती है वही जरूर और जरूर लगवाएं। इसका इतना ज्यादा फायदा है, धुआं मिट्टी जो भी होगी, अगर ऊपर से कपबोर्ड हमने कवर नहीं करे ना, तो सब वहीं हो जाएगा, धुआं सब भी, तेल वगैरह की चिकनाई वहां लग जाएगी और वो साफ करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जहां हम इतना सारा माइका लगवाते हैं, तो इनर माइका अगर ऊपर की तरफ आप टुकड़े भी लगवा सकते हैं, अगर आप लगवा देंगे तो बहुत कन्वीनियंट रहेगा। ये टिप सुनने में जितनी छोटी है उतनी बेहतरीन है। ये देखिए, लॉन्ग यूनिट के भी ऊपर मैंने जो है माइका जरूर जरूर लगवाया है। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिए, दिवाली के करीब अगर आप भी किचन न्यू बनवा रहे हैं तो ये आइडियाज आपको बहुत काम आएंगे। एक और बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप माइका यूज कर रहे हैं, मैट ग्लॉसी, उसका आप कंपनी और एक नंबर रहता है वो जरूर शॉपकीपर से पूछ कर रखिए। क्योंकि जैसे मैंने सिर्फ नीचे की बनाई पहले किचन, फिर उसके बाद मैंने ऊपर की बनाई, तो अगर आपको वही सेम कलर चाहिए या कहीं पर कोई पीस खराब हो गया, कहीं पर आप एक्स्ट्रा बनवा रहे हैं कोई खाना, तो अगर आपको माइका का कलर और कंपनी मालूम होगी तो वो आपको यकीनन दोबारा मिल जाएगा माइका, वरना उसका कलर वेरिएशन में दिक्कत आ सकती है। हेलो एवरीवन, होगा जरूर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी किचन में कराए गए चेंजेस के बारे में, रेनोवेशन के बारे में, या जो मैंने ऊपर के कपबोर्ड्स बनवाए हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। आप ये देखिए कि आप अपनी किचन में क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं। ये देखिए, किचन में बिल्कुल स्टार्टिंग में मेरे प्ले बटन यानी YouTube प्ले बटन के साथ ही पूरी लॉन्ग यूनिट नहीं लेकिन एक यूनिट नजर आ रही है। ऑब्वियसली हम लोगों के पास रहता है माइक्रोवेव है मेरा, ये मेरा OTG है। नो डाउट ये OTG पुराना नहीं, काफी पुराना है, लेकिन क्योंकि ये ठीक चलता है तो मेरी जो चीजें ठीक चलती हैं उन्हें फेंकने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने ये जो यूनिट बनवाया है ये बिल्कुल अपनी जरूरत के मुताबिक बनवाया है। एक तो मेरी किचन की जो स्पेस है वो इससे काफ़ी फ्री हो गई। इस जगह पे हम कुछ भी, जो हम सर्विंग के बाउल्स हैं, नमकीन है, वो रख सकते हैं, क्लीनिंग अच्छे से कर सकते हैं सेल्फ की। ये माइक्रोवेव बिल्कुल रनिंग पोजीशन में है, कभी भी यूज़ कर सकते हैं, तो जब भी यूज़ करना हो वो हैंडी टू यूज़ हो गया और काफ़ी कन्वीनियंट हो गया और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इनके प्लग्स जो कि बीच में से छेद करवा के निकलवाए जा सकते थे, लेकिन जैसे कि आप सबको मालूम है कारपेंटर भैया ने जितना काम कर दिया और उसके बाद वो जब एक बार चले गए तो उन्हें बुलाना मुश्किल हो जाता है। तो खैर, ये तार इस तरीके से मैंने यहाँ प्लग पे लगा रखी है और बीच में से भी निकाली जा सकती है। तो इस तरीके का जो अलमीरा है वो बहुत काम की है और आप इस आइडिया को यूज कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें सेल्फ डलवा कर कुछ और भी रख सकते हैं, इसमें शीशे की सेल्फ डलवा सकते हैं, लकड़ी की डलवा सकते हैं, और इनका जो साइज है आप अपने माइक्रोवेव जो कि छोटा है बड़ा है उसके हिसाब से रख सकते हैं, OTG के हिसाब से रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट अगर हम कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट का सामान इसमें रख सकते हैं, या फिर यहाँ नीचे माइक्रोवेव है तो हम माइक्रोवेव के बाउल और कोई भी जो बोरोसिल वगैरह के बाउल जो माइक्रोवेव में यूज हो सकते हैं इसलिए वो रख सकते हैं। इसमें ये लगने वाले हैं दो जो मैंने लगवाए हैं, शॉकर लगवाए हैं। 10 किलो वेट तक ये होते हैं, ये शॉकर वेट के हिसाब से रहते हैं और जिस हिसाब से ये इसका ढक्कन रहता है उसी हिसाब से ये शॉकर इजिली मार्केट से मिल जाते हैं। साथ में ही जो इसमें ये दो लगवाए गए हैं ये डड्डू कब्जे इनको बोलते हैं, इसके नीचे काफी जगह बच गई, इस तरीके से बहुत इजिली ये क्लोज हो जाता है हल्के से प्रेशर से और ये अपने आप बंद हो जाता है। क्योंकि ये जो डड्डू कब्जे रहते हैं ये सॉफ्ट क्लोजर वाले रहते हैं और अलग अलग वैरायटी के मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको ना तो इन्हें बहुत ज़्यादा महंगा लेना है, ना ही 100 रुपये वाले आपको नहीं लेने हैं, जो 200 तक का पेयर हो, 220-230 वो सही रहेंगे। शॉकर का ये काम रहता है कि जैसे ये ऊपर जाके ऐसे रुक गया, इसलिए आप कुछ भी काम करिए, इवन इसी में रख के बेकिंग वगैरह कर लीजिए, जो भी आपको करनी है, ब्रेड बना लीजिए, पिज़्ज़ा बना लीजिए और फिर यूज़ के बाद आप इसको हल्का सा प्रेशर देंगे तो ये सॉफ्ट क्लोजर की पकड़ में जब आ जाएगा तो फिर ये हल्का सा ये इस तरीके से बंद हो जाएगा।
कुछ भी अगर आप इस जगह पर रखना चाहते हैं तो काफ़ी काफ़ी स्पेस रहती है इसमें, आप रख सकते हैं ईजली नीचे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आई विल टेक इट पॉजिटिवली। अगर आप लोग ये राय देते हैं कि वीडियो थोड़ी छोटी होनी चाहिए तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को अपनाऊंगी। और एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डालने की बजाय माइक्रोवेव और ओटीजी की, जहाँ अलमीरा को अलग वहीं लॉन्ग यूनिट को मैं अलग में और आरओ को अलग में करते हुए छोटी छोटी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी मैं थोड़ी आदत से मजबूर तो हूँ ही। तो फिर चलिए, ऐसे ही विश्वास और होगा ज़रूर के इसी चैनल पर फिर मिलते रहेंगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, टिप्स ज़रूर ज़रूर काम आएंगी आपके। और लाइक अनलाइक करना आपके हाथ में है, मेरी कोशिश। और आपका अगर प्यार मिलता रहे तो हौसला अफजाई हो जाती है मेरी। तो नमस्कार, मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।